अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको कपकेक बनाना सिखा रही हूँ। तो इन कपकेक में जिस जिस की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताती हूँ। ये मक्खन है, बटर 150 ग्राम बटर है, दो अंडे हैं, 1 कप शुगर है, और ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ वो इस कप से बता रही हूँ जो बेकिंग के कप होते हैं ना मेजरमेंट करने वाले। 1 कप शुगर है, थोड़ा सा इसमें तकरीबन हाफ कप ही, हाफ ही मतलब कर लें हाफ कप दूध जाएगा थोड़ा सा। बेकिंग पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। अगर आपका फ्लोर में बेकिंग वो वाला नहीं है, क्या नाम है इसका, मैदा मिला हुआ नहीं है आपने, तो मैदा इसके अंदर पहले मिला लेंगे हम। और ये है ऑरेंज का एसेंस है, कप केक के कवर है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये मक्खन को हम यूज़ करते हैं, बटर ऐसे में सॉल्टेड है तो मैं इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट आप नहीं डालिएगा, वरना अगर अगर आपका बटर सॉल्टेड नहीं है तो आप इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए। तो 5 मिनट तक थोड़ा कप करेंगे, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप भी बना लें, बड़े आराम से बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। ये 1 कप शुगर, 1 कप शुगर है, और जो बटर है वो कितना फ्लफ़ी हो गया है। जब ये फ्लफ़ी हो जाए तो आप इसमें ये दोनों अंडे जो आपने तोड़ के रखे हैं ये डाल दिया हमने इसमें। इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून, 1 कप में 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 1 कप में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर पहले डालने से ये 1 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे ऑरेंज एसेंस, वनीला एसेंस का डालेंगे तो वनीला एसेंस 1 चम्मच डाल दें,
और अगर कोई और एसेंस डाल रहे हैं तो भी एक चम्मच डाल दें। अब आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा फोल्ड करते जाएं। 2 कप मैदा है ये, 2 कप मैदा, 2 अंडे, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इजी रेसिपी है जो आपको याद रहेगी। और 150 ग्राम इसमें बटर है और 2 अंडे हैं, 2 कप बेकिंग पाउडर है। मूव होना चाहिए इसे, ये हर जगह से ये बीट करें, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो केक देर से बनेगा, ना बहुत गाढ़ा और ना बहुत पतला। हाफ कप आप ग्लास में दूध निकाल के रखें, दूध इसमें जल जाएगा। कप में नहीं, ग्लास में, हाफ ग्लास को ये इतना गाढ़ा हो गया है कि आपके ऐसे करने से ये नीचे नहीं आ रहा। ये ऐसे करने से ऐसे फॉर्म में हो तो इसका मतलब कि आपका केक जो है वो हमेशा जो है रेडी है। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसे कपकेक में कैसे निकालना है। ये देखें, ये जो कपकेक है, कपकेक के अंदर मैंने ये बटर पेपर रख लिया है। बटर पेपर बड़े आराम से मिल जाता है, फॉइल का कपकेक है, इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकती हैं वॉश करके, लेकिन ये कि जो बटर पेपर है ये आपका बाहर निकल आएगा अगर आप इसके अंदर बटर पेपर रखेंगे तो केक आपका पूरा बाहर आ जाएगा कपकेक। और ये रखने के बाद मैंने सब में रख लिए हैं, इसके बाद हम ये इसको फिल कर लेंगे। ये देखें, जाएंगे फिल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है। लेकिन ये मैंने ना कपकेक जो है सारे मैंने कपकेक में निकाल लिए हैं, कप्स में निकाल लिए हैं और अब मैं इनको ओवन में रख रही हूँ। 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये ओवन से निकालती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ओवन का टेम्परेचर है 180 डिग्री और आप 10 मिनट पहले इसको, 15 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लें। तो मैंने पहले 15 मिनट पहले कर लिया था प्री हीट, तो उसके अंदर इसको मैं रख, ये मैं जब तक कपकेक हमारे बेक हो रहे हैं तो मैं आपको आइसिंग बता देती हूँ। ये 1 कप है साल चारों में ना, 1 कप जो है शुगर है, या आप आइसिंग शुगर ले लें, आइसिंग शुगर 1 कप है। और मैंने चॉकलेट का जो वो है, चॉकलेट मिलती है मेल्टेड चॉकलेट, ये मैंने जो 1 कप है ना वो इन चारों में किया है,
अब उसमें से निकाल के, इतनी निकाल के आइसिंग शुगर, उसमें मैं चॉकलेट को, मेल्टेड चॉकलेट जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। ये आपका ग्लेज बन जाएगा, चॉकलेट ग्लेज कपकेक के ऊपर लगाने के लिए, ये चॉकलेट की हो जाएगी। और ये है मेरे पास येलो कलर के, मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ, बस एक दो ड्रॉप डालने हैं क्योंकि तेज़ होते हैं, लिक्विड कलर होते हैं ये, बहुत तेज़ होते हैं। जो ब्लू कलर हमने खोला है इसमें मैंने चॉकलेट डाला है, इसमें मैंने येलो कलर डाला है, इसमें हल्का ड्रॉप ब्लू कलर का आएगा, बहुत थोड़ा सा आपने ड्रॉप डाला है मैंने। और ये रेड कलर है, रेड कलर के अंदर भी मैंने एक ड्रॉप डालना है, यही बस पिंक सा बन जाएगा ना। अब इसी तरीके से इसमें मैंने जो इसके अंदर पेस्ट बनानी है, पेस्ट के अंदर स्पून में पानी लेके, हाँ बस दो दो तीन तीन कतरे, देखें इतना पानी है इसमें, देखें क्योंकि पानी अगर कम भी हो जाए तो डल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सारा ये लिक्विड ही हो जाएगा। बहुत पानी अगर आपको लगे तो, बहुत गाढ़ा है अभी भी, शुगर मेल्ट नहीं हुई है इसमें आइसिंग शुगर, तो आप पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ड्रॉप्स की तरह ये देखें, जैसे मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड तो ये फिर आपके कप केक के ऊपर इसकी आइसिंग मुश्किल हो जाएगी। हाथ रोक रोक के थोड़ा सा डालें, ज़्यादा एकदम मत डालिएगा क्योंकि शुगर है ना एकदम डिजॉल्व हो जाएगी ये तो, और ज़्यादा लिक्विड ही होगी तो आपकी उस पर नहीं बैठेगी कपकेक के ऊपर ना। ये आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, आपका कलर जो है रेडी हो जाएगा इस तरह। इस तरीके से मैं आपको चारों कलर ना पानी डाल के मैं आपको एक कलर बता देती हूँ कितनी थिकनेस रखनी है उसकी। ये ऐसा रखना है, ये इतना थिक होगा, ठीक है देख रहे हैं, ये इतना थिक होगा, इसे ज़्यादा हमने पतला इसको नहीं करना कि ये देखें स्पून से इस तरीके से गिरे, स्पून से इस तरह गिरे, ये ग्लेज, ये ग्लेज इसका ऐसे गिरे। ये आपका रेडी हो गया, मैं आपको ये येलो कलर और ये भी रेडी करके बताती हूँ। ये अब हमारे देखें कपकेक जो है रेडी हो गए, अब मैं जैसे जैसे आपके सामने निकालती हूँ और ये इस तरीके से निकलते जाएंगे। क्योंकि ये बटर कप केक है और इस पर हम सिर्फ हमने डाल के उसको फिल कर दिया था, तो ये बड़े आराम से निकल रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे सारे मैं निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद ये देखें मैंने आइसिंग जो बनाई है। अब आप इन आइसिंग के अंदर आप चाहें तो, आपके पास अगर एसेंस हैं पाइनएप्पल एसेंस है तो येलो में डाल दें, स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी येलो पिंक में डाल दें, ब्लू है तो ब्लूबेरी इसमें डाल दें कोई, और ये चॉकलेट है मैं चॉकलेट का डाल दें, वरना आप इसमें ज़रा ज़रा सा ये डाल दें, नाम है इसका एसेंस नॉर्मल जो, थोड़ा थोड़ा कतरे डाल दें वनीला एसेंस के, ऐसे गिर गया, और इसको मिक्सअप कर दें। इन सबको मैं मिक्सअप करके इसके ऊपर आपको डेकोरेट करना बताती हूँ, सारे निकाल के तो देखते हैं ऐसे कपकेक के ऊपर आप इसको डेकोरेट कर लें। जैसे अच्छा है आप लगाएं इसको हाफ कलर, दो दो कलर एक में लगा दें, एक कलर एक में लगा दें ये पूरा, वरना इस तरीके से करके ये आपका पूरा रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर में ना नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से
भूरे पे मिक्स कर दें। येलो कलर हो गया, ये चॉकलेट कलर है, चॉकलेट है, इसको लगा दो ऐसे। ये भी थोड़ी देर में मेल्ट होकर खुद ही सेट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये सारों पे लगा के दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारे कपकेक जो है रेडी हो गए। देखें, मैंने इसकी गार्निश कर लिया, डेकोरेट कर लिया है। इसके लिए मैंने ये इसके ऊपर, इन चॉकलेट्स के ऊपर ये चिप्स मिलते हैं, चॉकलेट चिप्स ये लगाए हैं, और ये मल्टी कलर के मिलते हैं, ये मल्टी लगाए हैं बच्चों को स्प्रिंकल्स, और ये चॉकलेट के स्प्रिंकल्स हैं, ये मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स हैं, और ये जी मैंने चॉकलेट्स इसको डेकोरेट कर लिया। अब आप इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी बना के खिलाएँ, और मुझे इसका फीडबैक दें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।